नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लेंस में। और आप जो मेरे पीछे ये बच्चों की भीड़ को देख रहे हैं ना, ये कोई सामान्य बच्चे नहीं है, ये वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने राज्य नहीं, देश नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर अपने कारनामों के बदौलत ख्याति अर्जित करते हुए सम्मान प्राप्त किया है और कई मेडल भी हासिल किया है। और इनके हाथ में आप देख सकते हैं एक ड्रोन है। ये कोई सामान्य ड्रोन नहीं है जो शादी विवाह में या फिर किसी कार्यक्रम में इसको उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो देश सेवा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो आपदा की विपरीत परिस्थिति में मददगार साबित हो सकता है। इसकी क्षमता 4 किलोमीटर तक की है, चाहे वो ऊंचाई के 4 किलोमीटर की बात हो या फिर डिस्टेंस तय करने की बात हो 4 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर तक यह जा सकता है और इसकी बहुत सारी खासियत है जिसके बारे में ये सारे टीम के लोग आपको बता दें कि ये जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं 8 साल से लेकर 14-15 साल तक के ये होनहार बच्चे हैं, इन सबों के द्वारा ही ये बनाया गया है। आप कुछ वीडियो की झलकियों में देख लेंगे कि इनके द्वारा विश्व स्तर पर क्या क्या कारनामे किए गए। अभी हाल फिलहाल में जो एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी ये रामगढ़ के बच्चों ने गौरवान्वित पूरे देश को करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने उस कार्यक्रम को लाइव देखा था और सराहना की थी हमारे रामगढ़ के बच्चों की। आप बच्चों के द्वारा यह जो आइटम बनाया गया है, इसको ड्रोन को अभी उड़ा रहे हैं और उसके बारे में यही बताएंगे। और जो अभी आपको इस 4 किलोमीटर चलने वाली ड्रोन को दिखाएंगे उड़ाकर, वो बताएंगे कि ये ड्रोन कितने लोगों ने मिलकर आप लोग ने बनाया है और क्या क्या खासियत है इसकी। ये हमने 16 लोगों ने मिलकर बनाया है और इसकी खासियत है कि ये 6 ब्लेड का होने की वजह से ये बहुत तेज उड़ता है, लेकिन ये इसका बैटरी लाइफ भी बहुत कम हो जाता है। अच्छा, क्या बेनिफिट्स होगा इस तरह का जो ड्रोन आप लोग बना रहे हैं, क्या कुछ टारगेट है माइंड में कि आगे क्या करना है? ये ड्रोन अगर बनता है तो क्या इससे बेनिफिट्स होंगे? इससे ये बेनिफिट्स हो सकता है, जैसे कि कोई बड़ा खेत है उसमें फर्टिलाइजर डालने में दिक्कत तो होता है, तो इसमें हम लोग नीचे एसेसरीज ऐड करके उसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं जिससे ये वो पूरे प्लॉट में फर्टिलाइजर डाल सकता है। या तो कहीं एक भीड़ भाड़ इलाका में बम रखा हुआ है तो उसमें कोई जा नहीं सकता है, तो ये ड्रोन जाके उसको ऊपर लिफ्ट कर देगा, या तो कहीं दूर ले जाएगा, या अगर टाइम नहीं है तो वो ऊपर ले जाएगा इसको और वहीं जगह फट जाएगा। और कहीं अगर आपका दुश्मन छुपा है तो उसको भी कैमरे से जाकर आप देख के उसके ऊपर वार कर सकते हैं, है ना? तो ये तो सिर्फ एक दो उदाहरण इस बच्चे ने दिया। आप समझ सकते हैं कि जो 4 किलोमीटर के रेंज को तय करने वाला ड्रोन है, इसमें कैमरा जब लगा हुआ होगा और ये जब ड्रोन उड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी इसके लिए संभव है। कहीं बाढ़ प्रभावित इलाका होगा तो वहां पर भी ये जाएगा, तो फूडिंग के लिए, मेडिसिन अवेलेबल कराने के लिए काम करेगा। जैसा कि बच्चे ने बताया कि बॉम्ब डिटेक्टर के रूप में ये काम कर सकता है और बॉम्ब को उठाकर डिफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है। अब आप इसके नजारे को देख लें और रामगढ़ के होनहार छात्र पीयूष के हाथों यह हेजाकॉप्टर नामक ड्रोन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शानदार उड़ान भरने को तैयार है। और ये एक डेमो प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हौसला अफजाई के लिए यहां पर न्यूजीलैंड की टीम पहुंची है ताकि ऐसे जो होनहार बच्चे जो इस प्रकार के हाईटेक आइटम्स को जो विभिन्न जगहों पर काम कर सकते हैं उनको बनाया है। और सबसे बड़ा धन्यवाद भानु जी को, जो भानु जी का चट्टी बाजार में टीडी क्लासेस चलता है जहां पर ऐसे ऐसे हुनरमंद बच्चों को निखारने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और भानु जी यहां पर मौजूद है। भानु जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह के कार्यक्रम काम करते हैं, बच्चों के अंदर में उत्साह ऊर्जा और इस तरह के चीज़ों को बनाकर बच्चों को आज जायज मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे जो हैं रामगढ़ और हमारे देश का भी नाम रोशन करें। और ये इनका मेंटेलिटी ऐसा हो चुका है कि देश के लिए काम करने के लिए जागरूक हो चुके हैं। ये DRDO और ISRO की ही बात करते हैं और हमारे आर्मी के लिए बात करते हैं और बोलते हैं हमारे आर्मी के पास ऐसा ड्रोन होना चाहिए, ऐसा गैजेट होना चाहिए। तो इस तरह के जो हमारे बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। और अभी तो इन्होंने ये मुझे बोल रहे हैं कि आप सर हमें RC प्लेन्स वगैरह बताइए ताकि जितने भी हमारे फाइटर्स प्लेन उनको हम कॉपी करके हम बच्चों के सामने उड़ाएं और एक से एक प्रोजेक्ट हम अपने आर्मी और देश को दें। इसके बारे में बताएं, इसकी विशेषता क्या, कुछ इससे लाभ हो सकता है? हाँ, जैसे कहीं अगर मेडिसिन पहुँचाना है, फूडिंग पहुँचाना है, एग्रीकल्चर में काम आ सकता है हमारा, मतलब अलग अलग जगह पर जैसा हमको यूज करना है वैसा हम इसे यूज कर सकते हैं ड्रोन को, अलग अलग एसेसरीज लगाकर। और
और इसमें बहुत तरह के अलग अलग सिस्टम है, जैसे RTL, RTL मतलब रिटर्न टू लॉन्च। अगर हमारा रिमोट काम करना बंद कर देता है तो रिटर्न टू लॉन्च जैसे ही बटन ऑन करेंगे अपने आप 10 मीटर ऊपर जाएगा और अपना GPS सेटेलाइट पोजिशन कैप्चर करेगा और जहाँ से ये उड़ा है वहाँ पर ये वापस आ जाएगा अपने आप। बिल्कुल, तो आपने समझ गया ना, तो आप समझ गए कि RTL मतलब कि इसके अंदर ऐसा ऐसा हाईटेक फीचर्स डाला हुआ है कि ये सामान्य ड्रोन से बहुत ही उम्दा किस्म का है। और RTL मतलब कि आप जहाँ से स्टार्ट किए हैं अगर किसी कारण से टेक्निकल इशू आती है, बैटरी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप RTL अगर ऑन कर देते हैं तो ये जहाँ से उड़ान भरी थी वहीं पर आ जाएगी। फिर से अंत में बहुत बहुत धन्यवाद TD क्लासेस के भानु जी को और उनके पूरे टीम को जो एक बच्चों के अंदर में एक नया उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। ऊंचाई दिखाओ। और जो RTL के बारे में इन्होंने बताया कि इसमें हाईटेक फीचर्स को ऐड किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और ये इतना ऊंचा जा सकता है ना जिससे कि आप अपने आंखों से उसको देख भी नहीं पाएंगे। 4 किलोमीटर मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है अर्थ से आकाश के बीच का। आप इनके रिमोट हट जाओ में देख सकते हैं कि RTL को ये प्रेस किए हैं, मतलब कि जो विपरीत परिस्थिति जब आपका मशीनरीज खराब हो जाए और रिमोट फेलवर हो जाए या फिर आपका बैटरी डाउन हो जाए, तो उस स्थिति में आप RTL जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि वो जिस जगह से उड़ा था GPS की मदद से वो उसी जगह पर आकर और सेफली लैंड करेगा, बिना खुद को और किसी को नुकसान पहुंचाए हुए लैंड कर जाएगा और लैंड हो गया।